इंदौर एसटीएफ ने एक साल से फरार धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी असली सोने का सिक्का दिखाकर लोगों को नकली सोने का सिक्का देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। आरोपी का एक साथी अभी भी फरार है। असली सोने का सिक्का दिखाकर नकली सिक्का देकर लोगों से लाखों रुपए ऐड कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बैतूल आकर इंदौर में कैटरिंग का काम करता था और असली सोने का सिक्का लोगों को ये कहकर दिखाता था कि हमें खुदाई में मिला है और उसका लालच देकर नकली सिक्का थमाकर लोगों से 1 लाख रुपए हड़प लेता था। धोखाधड़ी के आरोप में एसटीएफ ने एक आरोपी को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था। छोटू उर्फ विजय, पिता कमल पंडोले, 23 वर्ष निवासी जिरियाडो, थाना बीजादेही, जिला बैतूल को दुर्गम स्थान पर जाकर पकड़ा गया है। इनके द्वारा एक गैंग बनाकर कई लोगों को असली सोने का सिक्का दिखाकर उसके उपरांत नकली सोने के सिक्के देकर धोखाधड़ी की जाती थी और लाखों रुपए की राशि कई लोगों से इनके द्वारा ली गई है। इनका मोडस ऑपरेंडी यह रहता था कि ये छोटू और गुलाब नाम के दो व्यक्ति हैं, इंदौर में एक हॉस्टल में कैटरिंग का काम करते थे और यहीं से आने जाने वालों या दूसरे लोगों से वो प्रलोभन देते थे, एक सिक्का असली दिखा देते थे, बोलते थे कि हमको खेती में गड़ा हुआ धन मिला है और हम लोग बाहर के रहने वाले हैं। और जब कोई आदमी उसकी पुष्टि कराता था तो वो असली निकलता था, वो 2-3 हज़ार कीमत का एक होता था और कई बार उसके पैसे भी उससे ले लेते थे, उसके बाद ही उसको देते थे। तो वो जब देखता था कि असली है और उसकी बाज़ार में कीमत ज़्यादा है तो आदमी प्रलोभन में आ जाता था। तो इनसे मोबाइल पर बात करने के बाद ये उसको झिरियाडोह, जो बैतूल और नागपुर के बीच का एक दुर्गम स्थान है और वहाँ जाके सड़क ख़त्म हो जाती है झिरियाडोह में, और एक पगडाल भी इसी तरीके की जगह है, टिमरनी, हरदा, सिवनी, मालवा डिस्ट्रिक्ट और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पर बुलाते थे और वहाँ उनसे हाथ के हाथ नकली सिक्के देते थे और पैसे ले लेते थे। 1 लाख रुपये से कम कोई डील नहीं होती थी और अगर कोई देने से आदमी कोई अलर्ट रहता था, चेक कर लेता था, फिर उसको लूट लेते थे।